यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के विधायक थप्पड़ कांड के बाद मचे बवाल के बीच श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू बार अध्यक्ष अवधेश सिंह के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनसे लंबी वार्ता हुई और मीडिया के सामने एक बयान भी दिया दुर्गेश सिंह दीपू ने। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में और समर्थन देने आए थे दुर्गेश सिंह दीपू, क्या कुछ वार्ता हुई अवधेश सिंह से? इन तमाम जानकारियों के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, आज अवधेश सिंह के समर्थन में दुर्गेश सिंह दीपू आए थे जो श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनसे वार्ता हुई और उन्होंने क्या कुछ बयान जारी किया? देखिए प्रियांशु जी, जैसे लगातार खबर दे रहा है इंडिया और पल पल की खबर से अवगत करा रहा अपने दर्शकों को, और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है इंडिया को प्रियांशु जी, और आपको प्यार दिया है। और हम लोग अगर देखा जाए तो टीआरपी इस वक्त इंडिया चैनल की सबसे हाई है। हमारा दायित्व तो बनता है कि आज हर चीज पर नजर रखी जाए। सुबह से ही हम लोग की नजर थी जो राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे दुर्गेश सिंह दीपू, इन्होंने कल लिखा था मैं लखीमपुर आ रहा हूं, इसलिए सुबह से इनके ऊपर इंडिया की नजर थी। लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा हुआ कि ये आए, और जैसा कि इंडिया ने दीपू दुर्गेश सिंह से बात की, उनका कहना था कि उनको हरदोई आवश्यक कार्य से जाना था, इस कारण से आज वो कोई बृहद कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, सिर्फ वो संतावना देने और अवधेश सिंह से मिलने आए हैं। कोई मीडिया का कार्यक्रम नहीं था, कोई बृहद कार्यक्रम नहीं था, वो सिर्फ अवधेश सिंह से मिलने आए थे, वो भी अटेंडम मिलने आए थे। जैसा कि पता लगा कि अवधेश सिंह से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये था कि उनको भी नहीं पता था कि किस वक्त ये आ जाएंगे करनी सेना के दुर्गेश सिंह दीपू। खैर, अनौपचारिक बात दुर्गेश सिंह कर दीपू से हुई है अवधेश सिंह की, लेकिन जो आइडिया की बात हुई इनसे, जैसा कि यहाँ पे अफवाहें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर एक चंदेल लॉन कल के लिए बुक किया गया है, और बताया जा रहा है कि करनी सेना कल वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, लोग जुट रहे हैं। लेकिन जब दीपू दुर्गेश सिंह दीपू से पूछा इंडिया ने, तो उनका कहना था कल उनका आने का कोई भी कार्यक्रम लखीमपुर का नहीं है। और अवधेश सिंह से जब इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से हर विजयादशमी को कार्यक्रम होता है, उसी अनुसार एक कार्यक्रम चंदेल पैलेस में होने जा रहा है, जिसमें शस्त्र पूजन भी किया जाएगा। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी लगातार होता रहता है, चलता रहता है, उसी परिप्रेक्ष्य में शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति नजर आ रही है, बात हो रही कि हमेशा की तरीके से ये कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन इस बार का कार्यक्रम कुछ अलग नजर आएगा। और जैसा कि प्रियांशु जी, राजनीतिक लोग इसका आकलन लगा रहे हैं, ये भी एक शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से ही देखा जाएगा। और अभी जो हवाएं चल रही, अफवाहें चल रही, इंडिया उन चीज का लोगों का खंडन कर रही चीजों का, कि जो लोग बता रहे हैं दुर्गेश सिंह दीपू कल इस कार्यक्रम में आएंगे और ये चंदेल पैलेस में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, शस्त्र पूजन कार्यक्रम होगा, इन कार्यक्रमों के बारे में दुर्गेश सिंह दीपू ने इस चीज का खंडन किया है। उनका कहना है कल उनके कई कार्यक्रम बाहर लगे हुए हैं, लिहाजा लखीमपुर वो नहीं आ पाएंगे। अवधेश सिंह से जो बात है, उनका कहना है कि कार्यक्रम होगा कल चंदेल पैलेस में, एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम रहेगा, और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। अब देखना प्रियांशु जी होगा कि एक तरफ जहां पर सर्व समाज का पटेल स्वाभिमान कार्यक्रम हुआ था और कल छत्री समाज का कार्यक्रम होना है, तो क्या ये जातिवाद का रंग ले रहा है या दो अलग अलग फाड़ हो रहे हैं, इसके लिए प्रशासन के लिए दुविधा की स्थिति बनती जा रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि लखीमपुर का जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गर्म नजर आ रहा है, जिस जो जो ठंडक बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक माहौल में काफी गर्मी नजर आ रही है। प्रियांशु जी, जो दुर्गेश सिंह दीपू से बात की इंडिया ने, उन्होंने बाइट भी दी है, उसमें उन्होंने समर्थन जताया है, लेकिन जो बातें उनकी हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी और लोगों को लेटर ईमेल भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जोश में, बॉडी लैंग्वेज में कमी आ रही थी, वो नहीं लग रहा था कि वो आक्रोशित हैं, ऐसा लग रहा था कि वो भी एक कहीं रस्म अदागी कर रहे हैं, इस तरीके की एक भावना नजर आती है। इसका कोई भी कारण हो पता नहीं लग रहा, लेकिन जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो कोई कठोरतम कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं योगेश वर्मा के खिलाफ, लेकिन स्पष्ट बताने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई वो चाहते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि जांच हो, जांच के बाद दोस्तों को सजा मिलनी चाहिए। अब प्रियांशु जी, कल के कार्यक्रम पर सबकी नजरें हैं, लेकिन इतना जरूर इंडिया बता रहा है कल दुर्गेश शंकर दीपू नहीं आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर अफवाहें चल रही हैं और लोग बता रहे हैं कि आज का प्रोग्राम दुर्गेश शंकर दीपू का कैंसिल हुआ था, वो कल आएंगे, इस तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि कल जिस हिसाब से पोस्टर इंडिया हर चीज को दिखा रहा था, पोस्टर दिखा रहा था, चीजें दिखा रहा था कि लखीमपुर में आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, 12 तारीख को आ रहा हूँ, उस प्रोग्राम में जो गर्मी थी
वो कहीं नहीं दिखी और आई इंडिया भी उस चीज को सोच रहा था सुबह से अपने दर्शकों को बताने की प्रयास कर रहा था, बहुत देर के बाद अभी कुछ ही घंटे पहले पता लगा कि वो एक अनौपचारिक तरीके से अवधेश सिंह के घर पे गए थे, वहां पे कुछ लोगों से मिले, लोगों ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद वो उधर से ही हरदोई के लिए बता रहे थे वहां निकल गए हैं। लेकिन बाद में जब उनसे बात फिर की गई तो पता लगा कि वहां से भी वो लखनऊ के लिए निकल चुके हैं और उनका जो वक्तव्य था वो इंडिया भी अपने दर्शकों को दिखाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि कल का जो कार्यक्रम होना है वो एक क्षत्रिय सभा का विजयादशमी के अवसर पे हो रहा है, जो शस्त्र पूजन भी होगा और खास तौर से करणी सेना वो कार्यक्रम करने वाली है। अब देखना ये होगा कि असर समाज में पहुंचता है या सिर्फ क्षत्रिय समाज तक ये सीमित रहता है या क्या शक्ति प्रदर्शन होता है, कल देखने वाली बात होगी। इस पे भी नजर इंडिया की रहेगी। प्रियांशी जी, सर एक जानकारी और चाहेंगे कि कल विधायक योगेश वर्मा को लखनऊ बुलाया गया था, शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ के बुलाया था, क्या कुछ उनसे वार्ता हुई, कुछ क्या निकल कर आया है, योगेश वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी है और किससे उनकी मुलाकात हुई? सर देखिए एक चीज प्रियांशु जी बता दें, आपकी जो चीजें होती हैं, प्रश्न होते हैं, वो बहुत सटीक होते हैं, गंभीरता से होते हैं और जैसा इंडिया अपना स्लोगन देती है सत्य और सही चीज को जनता को दिखाना और प्रेषित करना इंडिया के दर्शकों को, कल इंडिया ने बताया था कि योगेश वर्मा को शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ बुलाया है। कई जगह पर ऐसी चर्चाएं चली, कई लोगों ने बताया कि योगेश वर्मा कल लखनऊ नहीं गए थे, इस चीज की बातों का इंडिया खंडन करता है। निश्चित तौर पर योगेश वर्मा से दो दौर में बात हुई, देर रात को लखनऊ से लौटे हैं। उनका कहना है कि लखनऊ में शीर्ष नेतृत्व की बात हुई है और उस बात का लबोलवाब था कि ये जो घटना हुई है इस घटना के बारे में उन्होंने बात रखी और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि दो दिन में इस घटना के परिणाम आने की उम्मीद है और कहीं भी किसी भी तरीके से वो ये आश्वस्त कर रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो भी उनकी वार्तालाप कल लखनऊ में उनका परिणाम बहुत जल्दी देखने को जनता को मिलेगा और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके की अनियमितता और दुर्व्यवहार या इस प्रकार की घटनाएं पार्टी बर्दाश्त नहीं की। इसी बीच में एक बयान और आया है जो हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं, इनका भी बयान आया, उनका कहना है कि जो कल योगेश वर्मा वहां आए थे बहुत कठोरतम कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। उनका कहना है मुख्यमंत्री को पल पल की जानकारी है, मुख्यमंत्री पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं और अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री उनका जो कहना है, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और यह बहुत गलत बात है एक विधायक पर हाथ उठाना। इस चीज को लेकर जो निकल के आ रहा है प्रियांशु जी, निश्चित तौर पर जो आईएनडी अपनी बात कह रहा है कि कल योगेश वर्मा लखनऊ गए थे, शीर्ष नेतृत्व से मिले थे, वो सत्य है और योगेश वर्मा ने आज भी आईएनडी को बताया कि वहां बात करके आए हैं, लेकिन इतनी चीजें जरूर है कि बहुत चीजें वो गोपनीय रखना चाहते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि किससे मिले हैं, कहाँ गए हैं, क्या वार्तालाप हुई। लेकिन इतना जरूर वो कहते हैं कि जो भी शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात होती है, जब भी वो बुलाता है वो जाते हैं और जाके अपनी बात को दमदारी से रखते हैं, लेकिन जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व है यहां से लेकर दिल्ली तक सभी ने आश्वस्त किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसका ध्यान रखा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा अवश्य दी जाएगी। जी प्रियांशु जी, जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर आपको बता दें विधायक थप्पड़ कांड के बाद पूरे लखीमपुर खीरी का पारा इस वक्त हाई है और जो बवाल मचा हुआ है उसके बीच में श्री राजपूत करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, दुर्गेश सिंह दीपू, उनके आज आने का कार्यक्रम था और ये माना जा रहा था कि जब दुर्गेश सिंह दीपू आएंगे तो बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें गैदरिंग होगी क्षत्रिय समाज के लोगों की, लेकिन वैसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा गया। पुलिस भी इसको चुनौती मानकर चल रही थी क्योंकि पहले विधायक योगेश वर्मा ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन एक हिसाब से किया था, आपको बताया विलोबी मेमोरियल मैदान में बीती 11 अक्टूबर को, कल की ही बात है, और उसके बाद हंगामा भी हुआ था, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन माना जा रहा था कि दुर्गेश सिंह दीपू के ऐलान के बाद आज कोई बड़ा कार्यक्रम करेगा क्षत्रिय समाज और उसमें यह भी माना जा रहा था कि कई अन्य समाज के भी लोग आएंगे, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। दुर्गेश सिंह दीपू जो बार अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह के आवास पर पहुंचे, उनसे काफी देर तक वार्ता की, एक अनौपचारिक एक हिसाब से मुलाकात थी, उनसे वार्ता की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, मीडिया को एक बयान जारी किया, आइए हम आपको सुनाते हैं, पहले वो बयान सुना देते हैं। अवधेश भाई हमारे भाई हैं, कुछ घटना हुई थी उसी प्रकरण में हम मुलाकात करने आए हैं और हालचाल देने आए हैं, स्वस्थ हैं, वही देखने आए थे, बस देख के हम लोग जा रहे हैं। ये पक्ष में ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए उनकी जो एक विधायक जी हैं हमारे, उन्होंने जो है जिस तरह से जनता को यहाँ परेशान कर रखा है, शराब पीकर गाली देना, अभद्रता करना हर आदमी से, और जब पाप का घड़ा भर जाता है
तो उसका जवाब दिया जाता है और देना जरूरी भी रहता है। और अब हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें और तत्काल इसको जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह जो है समाज के लोगों को धमकाना, कार्यकर्ताओं को धमकाना, मनमानी करना, ये बहुत गलत बात है। कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि एक विधायक को जनता चुनती है अपने मदद के लिए, न कि गाली खाने के लिए, ठीक है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। अभी कोई रणनीति नहीं बना रहा। मुख्यमंत्री जी से आज मैं आग्रह किया है और ईमेल भी किया है और लेटर भी लिखा है उनके लिए कि इनकी जांच की जाए। इस तरह का जो है समाज में भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का अगर विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत ज़्यादा धीमी होगी, खराब होगी। तो आपने सुना कि यहाँ तक उन्होंने विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं, विधायक योगेश वर्मा पर, दुर्गेश सिंह दीपू ने, कि जनता को परेशान कर रखा है, शराब पीकर परेशान करते हैं, और ये कह दिया जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है और जवाब देना भी चाहिए। उन्होंने एक अहम बात ये कही कि उन्होंने सीएम योगी ये भी बताया कि सीएम योगी के संज्ञान में ये मामला लेने की मांग की है और ये भी कहा है कि उन्होंने पत्र भी सीएम को लिखा है और मिलकर भी इस पूरे घटना में कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आज जो जैसा माना जा रहा था कि आज बड़ी महापंचायत के टाइप होगी, सम्मेलन होगा, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन कल का दिन 13 अक्टूबर के दिन विजयदशमी का जो दिन है, वो उस दिन जो है छत्री समाज के लोगों का एक शस्त्र पूजन कार्यक्रम है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है छत्री समाज का, इसको लोग दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, उसको शक्ति प्रदर्शन के नजरिए से देख रहे हैं, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि उसमें छत्री समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो 13 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है वो कहां तक सफल होता है और कितनी भीड़ इसमें इकट्ठा हो पाती है। दूसरी तरफ जो विधायक की मुलाकात की बात करें शीर्ष नेतृत्व की, तो वो भी हुई थी 11 अक्टूबर को, और उसमें यह बताया गया कि उनको आश्वासन दिया गया है कि ये जो पूरा प्रकरण है, मामला, इसको प्रदेश नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है और दो दिन में किसी ना किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं विधायक योगेश वर्मा ने, और ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात हुई है। देर रात वो वापस लखीमपुर खीरी भी लौटे हैं और बड़ी कार्रवाई के संकेत भी उन्होंने मिलने के आसार दिए हैं और आई इंडिया की बराबर नजर इस मामले पर लगी हुई है। कल जो शस्त्र पूजन होगा 13 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के मैरिज हॉल में, उसमें क्या कुछ रहता है, कितनी भीड़ इकट्ठा हो पाती है, क्या संदेश दिया जाता है सर्व समाज के लोगों के बीच, ये भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। आई इंडिया पल पल की अपडेट इस प्रकरण की पहुंचा रहा दर्शकों तक, और जो अगला घटनाक्रम होगा वो भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।